हाय एवरीवन, समझे श्रीकांत किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ब्रेड का पकोड़ा, बिल्कुल बाजार की तरह। तो चलिए फटाफट बनाते हैं ब्रेड का पकोड़ा। आलू जो कि मैंने बॉईल कर लिए हैं, ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, मैंने घर में इसे बनाया है। फाइन पेस्ट नहीं है, आप चॉप कर सकते हैं। और ये है धनिया, ये हरी मिर्ची है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। और ये है प्याज, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। और साथ में हम इसमें डालेंगे सौंफ और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए मसाला बनाना शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले एक ये ले लिया, अब हम इसमें डालेंगे आलू। अब हम आलू को फोड़ लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा अदरक लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे धनिया। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे ये सौंफ और नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमारा आलू का पेस्ट बन गया है। अब हमको लेना है बेसन। अब हम बेसन में डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी, इसका थिकी पेस्ट बनाना। ये देखिए, ये हमारा बेसन का पेस्ट थिकी थिकी इतना बढ़िया बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे, हम ले लेंगे ब्रेड। तो मैं ब्रेड की दो स्लाइस ले लेती हूँ। ये देखिए, मैंने ब्रेड की दो स्लाइस ले लिए। अब इसे ऐसे रखना आपको। और ये जो आलू का पेस्ट हमने बनाया है, इस आलू के पेस्ट को हम भरेंगे इसमें। ये देखिए, फिलिंग हमें बहुत प्रॉपर करनी है, वरना ये बाहर निकल सकता है तलने में। ये हमने फिलिंग कर ली। अब ये दूसरी ब्रेड हम इसके ऊपर अच्छे से रख देंगे, इसे अच्छे से प्रेस करें ताकि ये चिपक जाए। अब ये हमने अच्छी तरह से दबा दिया। अब हम इसे, हमने जो बेसन का घोल तैयार किया था, उस घोल में हम इसे डुबाएंगे इस तरह से। ये अच्छे से ब्रेड के ऊपर बेसन लग जाना चाहिए, नहीं तो आलू का पेस्ट बाहर निकलेगा। ये देखिए, ये लग गया। अब हम इसे डाल देंगे गरम तेल में। हम इसे निकाल लेते हैं। काट लेते हैं बीच से। ये देखिए, अब हमने काट लिया है। अब हम इसमें दे देंगे थोड़ी सी ग्रीन चटनी और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो सॉस। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं हमारे ब्रेड पकोड़े। अब आप इसे खाइए और सभी को खिलाइए।